जोजो किड्स। बकरी और मुर्गी। एक दिन एक मुर्गी के पैर में चलते चलते बड़ा सा कांटा चुभ गया। ओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ओ बहुत दर्द हो रहा है। वहीं पास में एक बकरी घास खा रही थी। अरे मैं ये तो मदद कौन मांग रहा है, चलो चल कर देखती हूँ। मैं क्या हुआ तुम्हें, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। मेरा कांटा निकाल दो बकरी, मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे अकेला और घायल पाकर कोई भी मेरा शिकार कर सकता है। मैं जरूर जरूर। बकरी ने मुर्गी का कांटा निकाल दिया, मगर मुर्गी के पैर में घाव बहुत बड़ा था, सो चलना बहुत मुश्किल हो गया था। शुक्रिया बकरी बहन, मगर मैं अब चल नहीं पा रही, कुछ करो। बकरी बहुत अच्छी थी, उसने मुर्गी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसके घर भी छोड़ कर आई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इसी जंगल में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और दवाई भी लगा लेना। मैं और इस तरह मुर्गी की जान एक बकरी ने बचाई। बारिश और बिल्ली। एक दिन बिल्ली मोर को नाचते हुए देखती है। बड़ा मन कर रहा है भीगने का, ये मोर कितना सुंदर है और नाचते हुए तो और भी सुंदर लगता है, काश मैं भी इसकी तरह नाच पाती, बारिश का मजा ले सकती। बिल्ली जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसी पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा था। क्या हो गया, क्या सोच रही हो बिल्ली मौसी? कुछ नहीं, बारिश का मजा लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, खाली पेट तो कोई मजा नहीं। अरे इतना उदास क्यों होती हो, आओ मेरे पास आओ, इस पेड़ पर बड़े स्वादिष्ट बेर लगे हैं, आओ मैं तुम्हें तोड़ कर खिलाता हूँ। अरे वाह, बिल्ली झट से पेड़ पर चढ़ गई। अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय है। कौवे ने बिल्ली के लिए खूब सारे बेर तोड़े और दोनों ने मिलकर बेर को खाया। अब कैसा लग रहा है बिल्ली मौसी? हाँ अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है और पेट भी भरा हुआ है, मोर भी लगता है नाचते नाचते थक गया और हम खाते खाते हमें हर चीज में मजा आता है जब हम एक साथ अपनों के साथ रहते हैं। गौरैया और हाथी। एक जंगल में अप्पू नाम का बड़ा सा हाथी रहता था, वो बहुत शैतान था और गुस्से वाला भी। एक दिन गुस्से में आकर अप्पू ने जंगल में चलते चलते 4-5 पेड़ तोड़ दिए। उन्हीं में से एक पेड़ पर गौरैया अपने अंडों के साथ रहती थी। जब पेड़ गिरा तब गौरैया का घोंसला जो अंडों से भरा पड़ा था नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। अपने अंडों को टूटा देख गौरैया बोली, यह अप्पू हाथी अपने आप को समझता क्या है, गुस्से में इसने मेरे सारे अंडों को मार डाला, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। पूरा जंगल इससे परेशान है, मगर इसके गुस्से के डर से कोई इससे कुछ नहीं कहता, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपना बदला लूंगी और इसे सबक भी सिखाऊंगी। गौरैया रोती रोती अपनी दोस्त मधुमक्खी मेंढक और कठफोड़ा के पास गई। गौरैया के दोस्तों ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह सब मिलकर अप्पू से बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। सभी मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई। मौका पाकर एक दिन वे सब हाथी के पास जाते हैं। हाथी को सोता देख मधुमक्खी अपनी मीठी आवाज से
हाथी के कान के पास गाना गुनगुनाने लगती है। हाथी को संगीत सुनकर मजा आने लगता है। तभी कठफोड़ा आकर हाथी की आंखों को फोड़ डालता है। अप्पू दर्द से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, ये मेरी आंखों में जलन क्यों है? किसने मेरी आंखें फोड़ी? बचाओ बचाओ। अप्पू पानी की तलाश करता है। तब मेंढक और उसके साथी एक दलदल के पास डराने लगते हैं। हाथी समझता है कि वहाँ पानी है और उस दिशा पर चलने लगता है। दलदल में डूबकर वह मर जाता है और गौरैया अपना बदला लेने में सफल हो जाती है। दयालु पेड़। एक बार की बात है, कुकू कोयल अपने अंडों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। रास्ते में बरसात होने लगी जिस कारण कुकू कोयल बुरी तरह से भीग गई। अरे मुझे कहीं कहीं बैठकर अपने पंखों को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो उड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने बच्चों के पास भी तो जाना है। तभी कुकू एक पेड़ के पास पहुंची। मीठे पेड़ आम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भीग चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। मुझे थोड़ी देर अपने पास बैठने दो, मैं अपने पंखों को सुखाकर चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी नजर मेरे मीठे मीठे आम पर है, तुम यहाँ से चली जाओ अभी। बेचारी कोयल वहाँ से चली गई और पहुँची दूसरे मीठे पेड़ के पास। मीठे पेड़ पपीते, क्या मैं तुम्हारी डाल पर बैठकर कुछ देर आराम कर सकती हूँ? मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पंख बुरी तरह भीग चुके हैं, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी को खुद पर बिठाना पसंद नहीं, और वैसे भी मेरे पपीते बहुत मीठे हैं, अगर तुमने खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी पेड़ पर बैठ जाओ। निराश होकर कुकू वहाँ से चली गई। कुकू तीसरे पेड़ के पास पहुँची। कड़वे पेड़ नीम, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी शाख पर बैठने दोगे? बस थोड़ी देर के लिए, मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अपने पंखों को सुखाकर वहाँ वापस जाना है। क्यों नहीं, आओ आओ चिड़िया रानी, तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पेड़ पर बैठ सकती हो, मगर मुझे माफ करना, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कुकू चिड़िया इजाजत पाकर बहुत खुश हो गई। कुछ देर उस पेड़ पर बैठकर कुकू चिड़िया ने अपने पंखों को सुखाया और फिर पेड़ को शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कड़वे पेड़, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज से मैं तुम्हें कड़वा नहीं दयालु पेड़ कहूंगी। और इस तरह कुकू चिड़िया ने कड़वे पेड़ को शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों के पास वापस लौट गई। रानी मधुमक्खी। नंदू अमरूद बेचने वाला पूरे गांव में अपने मीठे मीठे अमरूदों के कारण बहुत मशहूर था। उसके सारे अमरूद तुरंत ही बिक जाया करते थे। नंदू के पास अमरूद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता भी था। कैसी हो मधुमक्खी रानी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बताओ आज बाजार में तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, तुम तो जानती हो मेरे अमरूद खाने के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। मेरे सारे अमरूद बिक गए और यह सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम्हारे डर से मेरे पेड़ पर कोई पक्षी आने की हिम्मत भी नहीं करता। ऐसा नहीं है, तुम भी हमें कुछ नहीं कहते, हम तुम्हारे पेड़ पर रहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही दिन अमरूद तोड़ते समय नंदू की नजर मधुमक्खियों के छत्ते पर गई। अरे ना, बड़ा हो चुका है इनका छत्ता, इसमें तो बहुत शहद होगा, अगर इसे बाजार में बेचा जाए अच्छे पैसे मिल सकते हैं। नंदू के मन में लालच आ चुका था। अच्छा,
कुछ करना होगा। आज रात को जब मधुमक्खियाँ सो रही होंगी तो इन्हें भगाकर पूरा शहद निकाल लूंगा। बेचारी मधुमक्खियाँ इस बात से अनजान थी। रात के समय नंदू जब हाथ में मशाल लिए पेड़ की तरफ बढ़ा, तभी अचानक रानी मधुमक्खी की आंख खुल गई। अच्छा तो ये बात है, इसे अभी मजा चखाती हूँ। और रानी मधुमक्खी बिना डरे तुरंत बाकी मधुमक्खियों को उठाने लगी। चलो इसे मजा चखाते हैं। सारी की सारी मधुमक्खियाँ नंदू के पेड़ के पास पहुँचते ही उस पर हमला कर देती हैं। नंदू दर्द से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे मैं तो यूं ही आ रहा था पेड़ के पास, मुझे छोड़ दो, अरे रानी मक्खी मुझे छोड़ दो। लालच बुरी बला है। भेड़िया और शेर। चालाक भेड़िया अपनी चालाकियों के कारण जंगल में बहुत बदनाम हो चुका था। कोई भी जानवर भेड़िये से बात नहीं करना चाहता था। वो देखो चालाक भेड़िया, चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। क्या हो गया है सबको, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। इस तरह तो मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उदास भेड़िया अपने आप से बातें करता हुआ जा रहा था कि सामने से उसे शेर आता दिखा। क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो, देखते नहीं सामने कौन खड़ा है। राजा जी आप मुझे माफ करें, मैं कुछ परेशान हूँ इसीलिए सामने से आप आ रहे हैं, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। परेशान, क्या हुआ, क्या बात है। शेर राजा, हुआ क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। जहाँ भी जाता हूँ मुझे देखकर सभी दोस्त और जंगल के जानवर मुझसे बिना बात किए यहाँ वहाँ चले जाते हैं, मुझे अनदेखा करते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। सोचता हूँ ये जंगल ही छोड़ दूँ, किसी और जंगल में जाकर रहूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। भेड़िये को देखते ही जानवर वहाँ से जाने लगे। तभी शेर वहाँ आ गया और बोला, रुको, क्या बात है, तुम सब भेड़ियों को अनदेखा क्यों कर रहे हो। राजा जी हम सभी जानवर भेड़िये की चालाकी से बहुत परेशान हो चुके हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है कि कोई भी जानवर अब भेड़िये से बात नहीं करेगा। भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर ही सबका शिकार करता है धोखे से। ओह तो ये बात है, अब तुम बताओ भेड़िये, तुम्हें कुछ कहना है। मैं समझ चुका हूँ अपनी गलती और मानता भी हूँ, मुझे आप सब माफ कर दीजिए और सुधरने का एक मौका दीजिए, मैं अब कभी किसी को धोखे से नहीं खाऊंगा, ये वादा करता हूँ, मगर मुझे ऐसे अकेला मत छोड़िए, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है आप सबको इसे एक मौका देना चाहिए। जी राजा जी। और इस तरह सभी जानवरों ने भेड़िये को सुधरने का एक मौका दिया। सपेरे के सपने। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुँच कर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर
अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकरा कर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से, अरे मेरी टोकरी से, ये सब सांप कहाँ चले गए, ये सांप कहाँ चले गए। सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया, ओहो हो, मैंने आज दो दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे, इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया, आज का दिन बहुत बुरा है। प्लीज सब्सक्राइब।